नमस्कार। आज की स्वास्थ्य चर्चा में मैं सतीश अग्रवाल अपने साथी विशेषज्ञ शहर के वरिष्ठ महिला रोग चिकित्सक डॉक्टर कल्पना जी लांडे के साथ उपस्थित हूँ। डॉक्टर कल्पना लांडे ये ऑब्स्टेट्रिक गायनेक सोसाइटी अमरावती की शाखा के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं और अगले साल की अध्यक्षा हैं। मैडम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी स्त्री की जीवन में पूर्णता उसके माँ बनने पर होती, मातृत्व के साथ में। मातृत्व यानी प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, ये अपने आप में जहाँ एक सुखद अनुभूति है वहीं समाज में एक विशेष स्थान रखती है। और वर्तमान समय में जब मर्यादित पारिवारिक पद्धति चल रही है, जहाँ छोटे परिवार का चलन है, तो वहाँ पर हर प्रेगनेंसी, गर्भावस्था अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। माँ बनने के साथ में जहाँ पर एक महिला अपने कोख में, अपने पेट में एक नए अजन्मे बच्चे को लिए फिरती है, वहीं पर ये जवाबदारी उसके परिवार और समाज की भी होती है कि जो बच्चा जन्म ले वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हो और स्वस्थ हो, ताकि आगे चल कर एक नई स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण हो और एक स्वस्थ देश का निर्माण हो। पर ये अवस्था अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है और इसे और अच्छे सुचारू सुरक्षित रखने के लिए हमारी स्त्री की और परिवार की क्या जिम्मेदारियाँ जवाबदारियाँ हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर लांडे मैडम उपस्थित है। मैडम, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे हमने कहा कि ये होने को तो अपने आप में एक नेचुरल और नैसर्गिक प्रक्रिया है, पर इसे हम सुरक्षित बनाने के लिए हम चाहते हैं कि उसमें माँ का योगदान कितना है। कि जैसा से माना जाता है कि फसल के लिए जहाँ पर बीज जितना सशक्त हो उतनी जमीन और मिट्टी सुरक्षित हो, स्वच्छ हो, तो उसी तरह से बीज के रूप में स्त्री मिट्टी का काम करेगी, जमीन का काम करेगी। तो गर्भावस्था के पहले माँ के अंदर में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए या क्या अवस्था होनी चाहिए ताकि प्रेगनेंसी सुरक्षित और अच्छी तरह से हो? सबसे पहले तो जब लड़की 18 साल के ऊपर होती है तब उसकी पूरी शरीर की ग्रोथ होती है, बनावट पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सक्षम हो जाती है बच्चा पैदा करने के लिए। तो उसकी उम्र कम से कम 18 साल के ऊपर हो, उसकी सेहत तंदुरुस्त रहे, उसका वजन कम से कम 50 किलो के ऊपर हो। दूसरी बात, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमाण 10 ग्राम परसेंट के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ उसके खान पान, उसके चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही उसका खान पान अच्छा रहना चाहिए, जिससे उसकी सहन शक्ति बहुत अच्छी रहे। और इसके लिए, इस पूरी हालत के लिए घर के लोगों ने भी उसकी उतनी ही फिक्र करनी चाहिए कि उसका वेट बराबर रहे। आजकल लड़कियां बहुत कमज़ोर महसूस हो रही है, उनकी सहन शक्ति बहुत कमज़ोर है, उनकी शारीरिक सहन शक्ति भी कम है, इसलिए उनके बचपन से ही उनको खान पान पर उस पर ध्यान देना चाहिए। संक्षेप में मैं ऐसा समझे, जब तक वो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं हो उसने गर्भावस्था प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। बराबर। और दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि इसी तरह से पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, जब तक पूरे परिवार में इसको नए आने वाले मेहमान के लिए पूरी तैयारी नहीं हो तब तक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। इसी से संबंधित दूसरा जो प्रश्न है कि जब प्रेगनेंसी हो, कि पता चल गया कि अभी प्रेगनेंसी गर्भावस्था है, तो अब माँ ने या महिला ने कौन सी सावधानियाँ लेनी चाहिए? जैसे ही उन्हें उनकी महावारी टल जाती है तो उसमें 95% तो वो प्रेग्नेंट रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एट द अर्लीस्ट, जितने जल्दी हो सके उसने अस्पताल में आ जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसको प्रसूति पूर्व तपासनी कहते हैं। उस वक्त पेशेंट में डॉक्टर्स उसकी शारीरिक कंडीशन कैसी है, उसमें खून कितना है, उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसको कितने महीने हुए हैं और बच्चा कैसे है, तथा उसका वजन कितना है, साथ साथ उस पेशेंट को हृदय की कोई बीमारी है क्या, शक्कर की कोई बीमारी है क्या, उसको जन्म से कोई ब्लड प्रेशर है क्या, इस सब बातों को चेकअप करते हैं जिससे आगे उसको डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से उसका पूरा शारीरिक चेकअप, वो जो डॉक्टरी तपासनी चेकअप है उसमें वो तय हो जाएगा। पर इसी के साथ में ऐसा होता है कि जब वहाँ पर चेकअप के लिए जाते हैं तो कुछ आवश्यक जांच इन्वेस्टिगेशंस लिखे जाते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है और इनकी उपयोगिता क्या है? प्रेग्नेंट जो गर्भवती स्त्री है जब वो आती है तो एक्चुअली मैं पहले बताना चाहूँगी कि उसे उसकी महावारी की लास्ट डेट मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के हालत में हमारी रूटीन प्रैक्टिस में मालूम पड़ता है, उसे मालूम नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, उतना ध्यान रखें। दूसरा, 9 महीने तक
उनको चेकअप करने के लिए आना है कम से कम 10 बार। पहले 7 महीने तक उसे महीने महीने पे चेकअप करने को आना है, 7 से 9 महीने में 15-15 दिनों में चेकअप को आना है, और 9वें महीने में 7-7 दिनों में चेकअप करने को आना है। उस दरम्यान डॉक्टर आपको खून जांच करने के लिए बताते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें 7-8 किस्म की टेस्ट होती है, उसमें खून का प्रमाण कितना है। अपनी भारत में 70% औरतें खून की कमी पाई जाती है। तो आपने पहले बताया कि खून की कमी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उन्होंने प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए। हाँ। प्रेगनेंसी अगर पता भी चल जाए तो पता होना आवश्यक है। दूसरे उसमें उसको ब्लड ग्रुप मालूम होना जरूरी होता है। निगेटिव रहे तो डिलीवरी के बाद उस बच्चे का खून जांच करके माँ को एक इंजेक्शन लगाना ज़रूरी होता है, कभी बच्चे का और माँ का खून बराबर नहीं मिलता है। तो तीसरा, आजकल HIV टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, सरकार ने अपने वो इम्पोर्टेंट घोषित करके हर गर्भवती महिला को HIV टेस्टिंग करने पे बाध्य किया है। इससे कभी एड्स पीड़ित औरत गर्भवती स्त्री है तो उसे अलग ट्रीटमेंट देके बाकी औरतों को उससे इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। वैसे सफ़ेद पीलिया का भी टेस्टिंग किया जाता है, ब्लड शुगर का भी टेस्टिंग भी हो सकता है। हाँ, वो भी मालूम हो जाता है कि माँ को है तो बच्चे को भी होने का संभावना है, और उसे अपने बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये HIV जो पीड़ित अगर महिला है तो इसमें प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट के अलावा और कोई विशेष सावधानी लेने की ज़रूरत है? उसे सिर्फ चेकअप ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट, क्योंकि उनकी सहन शक्ति बहुत कम रहती है। तो डॉक्टर के यहाँ पे रेगुलर जैसे बताएंगे मेडिसिन के साथ साथ रेस्ट और खानपान पे ध्यान रखें, और बाकी तो डॉक्टर बताएंगे, उस प्रकार से उचित ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। एक बहुत आम शिकायत होती है कि जब भी जाते हैं डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं, तो ये सोनोग्राफी कहाँ तक आवश्यक है, उचित है? सोनोग्राफी बहुत उपयोगी साधन है आज की हालत में। जैसे कि पहले 3 महीने के अंदर 80% बच्चे अच्छे रहते हैं और 20% बच्चे अच्छे नहीं रहते, चीप रहते हैं। तो ऐसे में 3 महीने के अंदर एक सोनोग्राफ करना ज़रूरी होता है। कभी अपना बच्चा अच्छा है तो खुशी की बात है, नहीं तो 20% में बच्चा कभी चीप है तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, 5वें महीने में एक सोनोग्राफ बहुत बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि 5वें महीने में बच्चे में कोई फॉल्ट यानी व्यंग कभी मालूम पड़ते हैं, दिखाई देते हैं, तो 5 महीने के अंदर अपन उसको बच्चे का गर्भपात करा सकते हैं। जैसे कि बच्चे के शरीर में सर में पानी होना, बच्चे के हार्ट में कोई छेद रहना, पीठ में कोई गोला आना, अतड़ी बंद रहना, इत्यादि बहुत से व्यंग होते हैं जो 5वें महीने में अपने को मालूम पड़ जाते हैं। कभी व्यंग वाला बच्चा कभी जिंदा पैदा भी होता है तो उसको ज़िंदगी में आगे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स 5वें महीने में ही एबॉर्शन की सलाह देते हैं, इसलिए 5वें महीने का सोनोग्राफ जरूरी है। और ज़रूरत पड़ने पर 9वें महीने में पानी कितना है, आवल कितना है, बच्चे की बढ़त कैसे, इसलिए भी सोनोग्राफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जब डॉक्टर बताते हैं सोनोग्राफ कीजिए, क्योंकि उससे बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं होता। तो यानी अगर हम संक्षिप्त में समझे तो बच्चे अंदर माँ के जो शरीर की बनावट है, अंदर में गर्भ के विकास की क्या पोजिशन है, या बच्चे में कोई डिसेबिलिटी, कोई व्यंग्य तो है, क्या वो सब चीज़ें हमें पता चल सकती है। इसे एक आम धारणा ऐसी है कि जैसा हम हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में रेडिएशन अवॉइड करना चाहिए, जैसे एक्सरेज वगैरह, तो जो सोनोग्राफी की जा रही है या बता रहे कि बार बार करने की आवश्यकता है, तो इससे माँ को या बच्चे को रेडिएशन का कोई खतरा तो नहीं? सोनोग्राफ में रेडिएशन नहीं होता, ये ऑसिलेशंस होते हैं, ये मूवमेंट्स के ऑसिलेशंस के तय पर ये सोनोग्राफ होता है, ये रेडिएशन नहीं जो कि एक्सरे में हुआ करता है। एक्सरे हम कभी भी पेशेंट को नहीं बताते, और बहुत ही इमरजेंसी रही तो एक शील्ड करके प्रेग्नेंट लेडी के पेट के सामने वो शील्ड पर्दा लगा के बाद में एक्सरे किया जाता है, और बहुत ही ज़रूरत रही तो 7वें महीने के बाद में एक्सरे किया जाता है। लेकिन वो आज सोनोग्राफी से सब बातें मालूम हो जाने की वजह से एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, और रेडिएशन का पूरा धोखा नहीं है अभी, रेडिएशन करने की कोई एक चिंता की ज़रूरत नहीं है। आम शिकायत होती है जब भी जाते हैं, मैडम कोई ना कोई दवाई लिख के देती है या दवाई की ऐसी चिट्ठी लिख दी है, तो क्या दवाई लेना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अपनी 70% भारतीय स्त्री बहुत कमज़ोर है, उनको एनीमिया है, उनकी खून की कमी है, तो वैसे ही गवर्नमेंट ने भी ये पॉलिसी रखते हुए उनको कम से कम 4 महीने तक आयरन और कैल्शियम की गोली लेने के प्रावधान रखा है। उसके भी पहले जब प्रेगनेंसी रह जाती है, पहले 3 महीने में और बाद में भी फॉलिक एसिड की टैबलेट्स
रेगुलर लेनी चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स बराबर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे में कभी ब्रेन में कभी फॉल्ट होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है, वो फॉलिक एसिड लेने से वो बहुत नहीं होता है बल्कि कम रहता है, टल सकता है, हाँ टल सकता है। साथ में मेडिसिन से भी खून की बढ़त होती है, कैल्शियम से माँ का भी हड्डियों की स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, कमज़ोर नहीं रहती है। साथ में बच्चों की बनावट के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, खून की ज़रूरत होती है, और जो बच्चा बनता है वो माँ के खून से, शरीर से, मांसपेशियों से बनता है। कभी माँ की ही मांसपेशियाँ तंदुरुस्त रही तो स्वाभाविक बच्चा भी तंदुरुस्त होगा, इसलिए उनको मेडिसिन लेना ही है, लेना ही है। दर्शकों, जो बच्चा जैसा जन्म के समय जो वजन होता है उसी से उसके आगे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास निर्भर करता है। बच्चे के जन्म के बाद में बहुत सारे पालक और परिवार के लोग टॉनिक की मांग करते हैं, इसका वजन बढ़ना चाहिए, पर जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा छूट जाता है कि बच्चे का आगे का जो वजन होता है बच्चे के जन्म के वजन पर निर्भर करता है, और बच्चे का जन्म का जो वजन होता है वह अंदर में जब माँ के गर्भाशय में पेट में उसने जो उसकी वृद्धि हुई उस पर निर्भर करता है। तो हमारी जो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि माँ के पेट में गर्भाशय में जब बच्चा पल रहा हो तो उसे उचित पोषण और वातावरण मिले जिससे बच्चा पूरे वजन का हो और तंदुरुस्त हो। और इसी का एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा मैडम ने बताया है कि अगर माँ में रक्त की कमी हो, खून की कमी हो, एनीमिया हो, तो न केवल माँ अशक्त होगी, कमज़ोर होगी, गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी उसका विपरीत परिणाम होता है और बच्चा कमज़ोर हो सकता है। और जो बच्चा जन्म के समय कमज़ोर होगा बहुत ज़्यादा संभावना के आगे चल के भी कमज़ोर रह सकता है। और इसीलिए जो डॉक्टर और मैडम जो दवाइयाँ लिख के दे रही हैं वो माँ के लिए लेना अनिवार्य है, न केवल माँ के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी। एक दूसरा ऐसा मुद्दा है कि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि ये डिलीवरी अस्पताल में करानी चाहिए बजाय घर के, और आंकड़े ऐसे बताते हैं कि आज की वर्तमान स्थिति में भी भारत में अपने देश में 2/3 डिलीवरी घर में हो रही है। घर में होने वाली डिलीवरी और अस्पताल में होने वाली डिलीवरी, इसमें क्या फ़र्क है? सब लोग कहते हैं कि डिलीवरी ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये सही बात है, लेकिन नैसर्गिक प्रक्रिया के वक्त हमें डॉक्टर को ये देखना ज़रूरी होता है कि उस वक्त बच्चेदानी का मुंह कितना खुल रहा है, उसको दर्द किस प्रकार के हैं, जगह कितनी है, बच्चा कितना नीचे सरकते हुए आ रहा है जगह के हिसाब से, और उस वक्त माँ की कंडीशन और पेशेंट की कंडीशन, बच्चे की कंडीशन कैसे, ये देखते हुए नॉर्मल डिलीवरी होती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो अपने हाथ में नहीं है, शरीर के हाथ में भी नहीं होती, नैसर्गिक भी नहीं होती, और जगह जैसे जगह कम रहना, बहुत ज़्यादा खून आना, या यूँ समझ लो उस वक्त बच्चे की धड़कनें अंदर में कम हो जाना, ये कोई कोई बातें ऐसी होती कि वो अनसर्टन अचानक होती है जो डॉक्टर पहले से गृहित नहीं धरते। डॉक्टर को मालूम भी रहता है लेकिन पेशेंट को मालूम नहीं रहता है, उसकी वजह से पेशेंट की डिलीवरी कॉम्प्लीटर होती जाती है। ये जब कॉम्प्लीटर डिलीवरी हो जाती है तो उस वक्त परिस्थिति अनुसार सीजेरियन का डिसीजन लेना पड़ता है पेशेंट को तथा बच्चे को कुछ कम ज़्यादा ना होए करके। कभी ऐसी हालात आ जाती है तो ये जो डिलीवरी हम बाहर कहीं खेड़ों में या ऐसे हॉस्पिटल में करने की कोशिश करें जहाँ कोई व्यवस्था ना हो, उससे माँ की जान को भी खतरा बन जाता है तथा बच्चे को भी गंवाने का डर रहता है, बच्चे की भी जान को पूरा खतरा रहता है। आज भारत में ये सच्चाई है कि घर में या तो ऐसे खेड़ों में जहाँ कोई व्यवस्था नहीं, इस जगह पर डिलीवरी की जा रही है, लेकिन आज नियम हमने बनाना है कि उन्होंने ऐसे ही हॉस्पिटल में डिलीवरी करना है जहाँ सब चीज़ों की व्यवस्था हो, ट्रेन डॉक्टर हो, ट्रेन नर्सेस हो, और अस्पताल में इमरजेंसी में कभी भी लगा तो सीजेरियन की व्यवस्था हो, ऐसी ही जगह पे डिलीवरी करना है जिससे माता मृत्यु भी कम हो और बाल मृत्यु भी कम हो। इसलिए मैं तो भी यही कहना चाहूँगी कि कभी इनको डिलीवरी का काम भी है तो उन्होंने शहर में डिलीवरी करें। अपने समाज में प्रथा है कि वो खेड़ों में जाके, मतलब मायके में जाके डिलीवरी करने की प्रथा है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी कभी मायका खेड़े में है तो कृपया आप पहले अपना शहर में अपनी डिलीवरी कराएं, बड़े अस्पताल में डिलीवरी कराएं, फिर आराम के लिए अपने खेड़ों में या अपने मायके में जरूर जाए। एक एंड में मैं यही बताना चाहूँगी कि डिलीवरी अच्छे अस्पताल में जहाँ सब ऑपरेशन की सुविधा हो, ट्रेन डॉक्टर हो, ट्रेन नर्सेस हो, वहीं पर करना चाहिए जिससे बच्चे को माँ को धोखा ना हो। और दर्शकों, यहीं पर एक बात और भी इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जहाँ पर ये सब सुविधाएँ माता के लिए ज़रूरी है वहीं पर हर डिलीवरी समय एक बच्चों से संबंधित या तो बच्चों के डॉक्टर हो या उससे प्रशिक्षित कोई अगर व्यक्ति उपस्थित हो तो बच्चे के होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन खतरे वो कम कर सकते हैं।
मैम, एक आम धारणा है कि आजकल सीजरियन ऑपरेशन उसका चलन बहुत बढ़ गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी एक गलतफहमी है, थोड़ी थोड़ी सी सच्चाई भी है, उसके कारण बहुत से हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि डिलीवरी ये सिर्फ बच्चा नीचे आ रहा है और डिलीवरी होगी इतना आसान नहीं होता। पेशेंट के हालात के ऊपर, तबीयत के ऊपर, साथ साथ दर्द के ऊपर, दर्द के साथ साथ बच्चेदानी का मुंह खुलना, बच्चे नीचे सरकना, साथ साथ बच्चे की धड़कनें अंदर में कैसी है, माँ की जान को कोई खतरा है या नहीं, इस सब बातों पे नॉर्मल डिलीवरी तय होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात आ जाती हैं कि बच्चा नीचे नहीं आ सकता, जगह छोटी रहती है, आवल कभी कभी नीचे रहती है, उससे बहुत ज़्यादा खून जाने का डर रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने से माँ को झटके आने की बीमारी का संभावना रहती है, तथा अंदर में खून श्राव, रक्त श्राव होकर बच्चे की भी जान को भी खतरा रहता है। साथ साथ कभी कभी जगह इतनी छोटी रहती है कि बच्चा नीचे ही नहीं आ सकता है, या बहुत देर डिलीवरी को टाइम लगने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन की कमी अंदर में हो जाने से बच्चा अंदर लैट्रिन कर देता है, ऐसे में भी ऑपरेशन करने का डिसीजन लेना पड़ता है, सीजरियन करने का डिसीजन लेना पड़ता है, जिससे बच्चे को और माँ को बचा सके। लेकिन बात ऐसी हो जाती कि नॉर्मल में करते करते कब क्या प्रॉब्लम आ जाएगी ये ज़रा बताना कठिन है, इसलिए कभी डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे की जान को खतरा है तो सीजरियन करना है। आज के ज़माने में हम लोग एक या दो बच्चे के विचार रखते हैं, और दोनों बच्चे तंदुरुस्त सुदृढ़ रहे, दिमागी तौर पर भी तो अच्छा रहता है, क्योंकि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा, डिलीवरी तो होकर रहना है, प्रक्रिया नैसर्गिक है, डिलीवरी होकर रहना है। दो बातें हो सकती है, एक तो माँ की जान को खतरा होगा या तो बच्चे की जान को खतरा होगा। जब बच्चे को बहुत टाइम दिया और बच्चे को ऑक्सीजन कम मिला तो उसकी दिमाग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलता है, और वो जो डिलीवरी के बाद में एक तो मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है और या तो शारीरिक रूप से वो कमज़ोर रहता है, उसकी वजह से आगे चल के उसको ज़िंदगी में जी नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि कभी दो ही बच्चे चाहिए, तंदुरुस्त रहे और अच्छे रहे, तो कभी डॉक्टर कहते हैं उसके भलाई के लिए सीजरियन की ज़रूरत है तो सीजरियन करना चाहिए। तो मतलब ये जो डिलीवरी है अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस, नैसर्गिक प्रक्रिया है, तो डॉक्टर भी अपनी तौर से चाहे कि नेचुरल हो तो होना ही है, पर अगर परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती है कि जहाँ पर अगर ये निर्णय लेना हो तो ये डॉक्टर के विवेक के अनुसार ये निर्णय लेना जरूरी हो सकता है। और बढ़ने का कारण ये हो सकता है कि जब हम छोटे परिवार की तरफ जाते हैं तो हमारी तरफ से हर कोशिश होती है कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहे, नॉर्मल रहे, तो अगर ऐसा निर्णय ले सके तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और जिस तरीके उपलब्धता बढ़ती जा रही है तो हो सकता है कि उसका नंबर बढ़ता हो करके। डॉक्टर, मैं और एक बात बताना चाहूँगी, आज मुझे 25 साल हो गए प्रैक्टिस करने में, 25 साल पहले की लेडीज़ की सहन शक्ति और आज की लेडीज़ की सहन शक्ति में बहुत फ़र्क आ रहा है। और मैं बड़े बुजुर्गों को ये बोलना चाहूँगी कि आप लड़कियों को इतना शारीरिक तंदुरुस्त बनाएं सदा, और उनकी मानसिकता इस प्रकार की तैयार करें कि उनको डिलीवरी में वो जो भी तकलीफ रहती है वो सहन करने की तैयारी रखे, क्योंकि ये डिलीवरी में नेचुरली अपन पुनर्जन्म कहते हैं तो तकलीफ में से ही गुजरना है, तकलीफ जो सहन कर सकता है तो नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। लेकिन आज लड़कियाँ शिक्षित जरूर है लेकिन शारीरिक कमजोरी की वजह से, फिजिकल उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं, या तो गेम्स या उनकी फिजिकल बॉडी डेवलप ना होने की वजह से डिलीवरी में उनकी सहन शक्ति बहुत कम हो रही है। और मेरे हिसाब से सीजरियन बढ़ने का रेट शायद यही है कि उनकी मानसिकता तथा सहन शक्ति कम पड़ रही है। तो पहले ही महीने से उनके बुजुर्गों ने तथा उनके माता पिताओं ने उनको उनकी मानसिकता तैयार करनी चाहिए। मैं इसे एक बात और ऐड करूंगी कि ये जो आपने बताया जो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका कारण यह है कि बचपन से ही बच्चों में सहन शक्ति जो अभी पीढ़ी चल रही है उसमें सहन शक्ति कम पाई जा रही है। दूसरी बात ये हुई है कि हमारी सबकी मानसिकता ये है कि हम लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि सीधे और लंबे रास्ते से जाते हैं, हम शॉर्टकट क्या हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि जो नैसर्गिक प्रक्रिया है, जो नेचुरल प्रोसेस है, उसका दर्द वेदना न सहन करते हुए अगर आप बिना इसके वेदना के सीजन से करना चाहें तो आप सीजन कर दीजिए। बहुत बार तो माँ की तरफ से डिमांड होती है, माँ और पेशेंट की तरफ से डिमांड होती है, माँ की पेशेंट की तरफ से कि मैम क्यों ये कर रही है, तो आप सीजन कर दीजिए, मैं चले जाऊँ करके, तो शायद ये भी कारण हो सकता है। पर फिर भी दर्शकों, यहाँ पर मैडम की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि फिर भी इस डिमांड को तरजीह नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते हुए जब तक ज़रूरी न हो कोई भी डॉक्टर अपनी तरफ से कोई ऑपरेशन या सीजरियन नहीं करेगा, जब तक वो बहुत अत्यावश्यक और ज़रूरी न हो जाए। खान पान का एक मुद्दा उठाया था मैडम, आम धारणा ये है कि अगर माँ को प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में
ज़्यादा खाना दिया जाए तो हो सकता है बच्चा अंदर के अंदर में उसका वजन बढ़े, हृष्ट पुष्ट हो, तो डिलीवरी के समय में सामान्य प्रसूति नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और सीजरियन करना पड़ेगा, कहाँ तक उचित है? ये एकदम गलत बात होती है। ये देखा जा गया है कि कभी माँ कमज़ोर भी है, बहुत भी कमज़ोर है, तब भी बच्चे को बढ़ने के लिए उसे जो कुछ भी चाहिए वो माँ के शरीर से खींच लेता है और वो पूरे अपनी उसकी ग्रोथ पूरी होती है। भले इधर माँ कमज़ोर है लेकिन बच्चे की ग्रोथ होते रहती है। कभी बहुत माँ बहुत ही कमज़ोर है तो बच्चा कमज़ोर रहेगा, लेकिन उसकी बनावट के लिए उसे जो चाहिए वो खींच लेता है माँ के शरीर से। माँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, इसलिए ये मेडिसिन दी जाती है जिससे डिलीवरी के वक्त माँ भी तंदुरुस्त रहे। इसलिए ये मेडिसिन खान पान पर ध्यान देना ये बहुत उचित होता है। इससे बच्चा मोटा नहीं होता बल्कि माँ तंदुरुस्त रहती है और डिलीवरी में थोड़ा आसानी से फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक बिल्कुल गलत धारणा है कि अगर माँ को पर्याप्त भोजन दिया जाए तो बच्चा अंदर में हृष्ट पुष्ट होगा और सीजरियन करना पड़ेगा। उसके बजाय माँ को जितना आवश्यक है उतना भोजन जरूर दिया जाए। ऐसे कुछ खास लक्षण या चिन्ह क्या हो सकते हैं जिन्हें हम डेंजर सिग्नल्स कहते हैं कि अगर वो माँ में या गर्भवती स्त्री में पाए जाएँ तो उन्होंने तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए? जब गर्भवती महिला घर में ही रहती है तब उसे इस बातों पर गौर करना चाहिए, कहीं उसको बहुत चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, बहुत वीकनेस तो नहीं है, कमज़ोरी तो नहीं है, उसको कभी सूजन बहुत आ रही है क्या, दूसरी उसको वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्या, बहुत सरदर्द है क्या, ये सब बातें अलार्मिंग साइंस बोलते हैं हम लोग। इस प्रकार से उनको कभी इस प्रकार की तकलीफें रहती है तो तुरंत अस्पताल में आना चाहिए। ऐसे पेशेंट में बहुत बार हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हम लोग बोलते हैं, मतलब अति धोखादायक प्रेगनेंसीज कहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा उम्र है, 35 साल की उम्र के ऊपर कभी प्रेग्नेंट लेडी है तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, खून की कमी की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बहुत कम उम्र की भी, जैसे बहुत कम उम्र की 18 साल के अंदर की भी या 16-17 साल की उम्र की भी गर्भवती महिला तो उसे धोखा ज़्यादा है। 3-4 बच्चों के ऊपर बच्चे कभी माँ को आते उनको भी धोखा है। कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको झटके आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है जिससे उसकी जान को खतरा होता है। ब्लड प्रेशर में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का डर रहता है जिससे माँ की जान को खतरा होता है। साथ साथ कभी आवल जैसे वर्ड कहते हैं जिससे बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है, माँ से बच्चे तक पहुँचता है, कभी आवल कभी बच्चेदानी के मुँह पर है तो डिलीवरी के वक्त बच्चेदानी का मुँह खुलते हुए बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का डर रहता है। साथ साथ जगह कभी छोटी है तो उसमें डिलीवरी नहीं देते, ये हम लोग इसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डालते हैं। और ये सब चीज़ें उनकी शारीरिक तपासनी में उनकी जांच में मालूम पड़ती है। और ऐसे पेशेंट को पहले से ज़्यादा तवज्जो देके ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए और उनको कम से कम डिलीवरी तक के अच्छे तंदुरुस्त रखना चाहिए। उनकी डिलीवरी भी उस प्रकार से करते हैं कि कभी कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेट हो गया, जितनी कोशिश हो तो हम सामान्य करने की कोशिश करते हैं। और ये एक महत्व है कि उन्होंने चेकअप क्यों कराना चाहिए। तो ऐसी जो चीज़ें होती जो बिना चेकअप के पता नहीं चल पाती और डिलीवरी के समय में ये चीज़ें पता चले तो माँ को या बच्चे को उसका खतरा हो सकता है। मैडम हम आपको धन्यवाद देते हैं। दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जिसमें कुछ मुद्दे उभर के आए हैं कि गर्भावस्था जो माँ को मातृत्व प्रदान करता है होने को ये अपने आप में सामान्य और नैसर्गिक प्रक्रिया है, परंतु उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्यों? कि ये एक बच्चे को जन्म देगी जो पूर्णतः स्वस्थ हो, अच्छे वजन का हो और शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त हो। इस बीच में जितनी माँ की केयर और सुरक्षा लेनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, जो न केवल माँ की बल्कि पिता की और पूरे परिवार समाज की भी जवाबदारी है। हमारी तरफ से ये कोशिश है कि हम आपको और अधिक से अधिक रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। कार्यक्रम आपका अपना है, इस विषय में आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव सहर्ष आमंत्रित है। आज की चर्चा के लिए मैं आपको धन्यवाद। अगली चर्चा फिर किसी विशेषज्ञ के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।